हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है साइनोवियल जॉइंट्स। सो साइनोवियल जॉइंट्स क्या होती हैं? साइनोवियल जॉइंट सबसे कॉमन जॉइंट होते हैं हमारी बॉडी में। साइनोवियल जॉइंट सबसे ज़्यादा मूवमेंट को अलाउ करते हैं, मतलब साइनोवियल जॉइंट सबसे ज़्यादा मूव हो सकते हैं मैक्सिमम डायरेक्शन में। साइनोवियल जॉइंट फाइब्रस या फिर कार्टिलेजिनियस जॉइंट से डिफर है क्योंकि ये जॉइंट्स लिमिटेड मूवमेंट अलाउ करते हैं, लेकिन साइनोवियल जॉइंट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मूवमेंट को अलाउ करता है। मैक्सिमम मूवमेंट अलाउ करता है, इसलिए साइनोवियल जॉइंट का दूसरा नाम क्या है? डायआर्थरोसिस जॉइंट। सो डायआर्थरोसिस जॉइंट की कैटेगरी में साइनोवियल जॉइंट इसलिए आया है, डायआर्थरोसिस का मतलब है मैक्सिमम जो जॉइंट्स मूव कर सकते हैं। सो साइनोवियल जॉइंट दूसरे जॉइंट से इसलिए भी डिफर है क्योंकि जो दो बोन्स हैं वो आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होती। साइनोवियल जॉइंट कैसे बनता है? दोनों बोन्स के बीच में एक कैविटी होती है, एक स्पेस होता है। सो ये जो स्पेस या फिर कैविटी है, इसमें एक फ्लूइड रहता है। सो इस फ्लूइड की वजह से जो बोन्स है, जो जॉइंट है, वो फ्रीली मूव कर सकता है। प्लस ये जो साइनोवियल जॉइंट है, ये बोन्स किससे सराउंड होती हैं? कैप्सूल से सराउंड होती हैं। सो इसके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है साइनोवियल जॉइंट की जो इस जॉइंट को दूसरे जॉइंट से डिफर करती हैं। सो करेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। सो सबसे पहला जो करेक्टरिस्टिक्स है साइनोवियल जॉइंट का, वो है आर्टिक्युलर कार्टिलेज। सो आर्टिकुलेशन का क्या मतलब है, ये आपको इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। सो ये है फर्स्ट बोन एंड ये है सेकंड बोन। सो ये दोनों बोन्स आपस में मिलकर क्या बनाएंगी? जॉइंट बनाएंगी। सो ये व्हेन टू बोन्स आर्टिकुलेट कहते हैं, जब दो बोन्स आर्टिकुलेट होती हैं या फिर मीट करती हैं तब क्या बनता है? एक जॉइंट। सो दोनों बोन्स का कौन सा सरफेस आर्टिकुलेट करता है? एपिफाइसिस। सो ये एपिफाइसिस है दोनों बोन्स की, एपिफाइसिस यानी एंड्स दोनों बोन्स के। सो ये जो एपिफाइसिस है, जो बोन्स आपस में मिलकर जॉइंट बनाती हैं, सो इस सरफेस को क्या बोलते हैं? आर्टिकुलर सरफेस। सो ये आर्टिकुलर सरफेस है बोन का। सो ये वाला और ये वाला जो आपस में मिल रहा है, इसको बोलते हैं आर्टिकुलर सरफेस ऑफ बोन। सो इस आर्टिकुलर सरफेस पे ये जो रेड कलर से मैंने शो किया है, ये रेड कलर से, ये क्या है? कार्टिलेज। सो ये कार्टिलेज कौन सा है? हाइलिंग कार्टिलेज। सो ये आर्टिकुलर सरफेस पे ये रेड कलर का हाइलिन कार्टिलेज है, क्योंकि ये आर्टिकुलर सरफेस पे प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? आर्टिकुलर कार्टिलेज। सो साइनोवियल जॉइंट में क्या होता है कि जब दोनों बोन्स मिलती हैं, सो उन दोनों बोन्स के सरफेस पे, आर्टिकुलर सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है? हाइलिन कार्टिलेज। सो ये हाइलिन कार्टिलेज क्या होता है? हाइलिन कार्टिलेज एक स्मूथ कार्टिलेज होता है, इसकी ग्लास जैसी अपीयरेंस होती है, इसलिए स्मूथ होता है। स्मूथ होने की वजह से ये क्या करता है? फ्रिक्शन को मिनिमाइज करता है। फ्रिक्शन का मतलब घिसाव, कि आपस में दोनों बोन घिसे नहीं, फ्रिक्शन ना हो, इसलिए ये दोनों बोन्स के बीच में क्या है? आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट है, हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट है। सो फ्रिक्शन नहीं होगा तो स्मूथ मूवमेंट होगी बोन्स में, स्मूथ मूवमेंट होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मूव कर सकती है, इसलिए हाइलिन कार्टिलेज यहाँ पर प्रेजेंट है। ये कार्टिलेज स्मूथ भी होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है। स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए ये शॉक को भी अब्सॉर्ब करता है। शॉक को एब्जॉर्ब कैसे करता है? जब भी कोई प्रेशर पड़ता है बोन पे, साइनोवियल जॉइंट पर कोई भी प्रेशर पड़ता है, कोई इंजरी होती है, तो ये शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है हाइलिन कार्टिलेज, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। प्लस जो हमारा वेट है, वेट को भी बियर करता है। बॉडी का जो वेट है वो किस पर आ रहा है? हमारे हिप जॉइंट पर, नी जॉइंट पर। सो ये वेट को भी बियर करता है, वेट को सहता है। सो इसलिए हाइलिन कार्टिलेज स्ट्रॉन्ग भी है, इंजरी से भी प्रिवेंट कर रहा है, शॉक को एब्जॉर्ब कर रहा है, प्लस स्मूथ है, स्मूथ मूवमेंट अलाउ कर रहा है, फ्रिक्शन को प्रिवेंट कर रहा है। सो एक करेक्टरिस्टिक्स क्या है साइनोवियल जॉइंट की, कि दोनों आर्टिकुलेटिंग सरफेस पे, मतलब जो बोन्स जहां पर मिल रही है उस सरफेस पे, ये रेड कलर का क्या है? आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो कि किससे बना होता है? हाइलिन कार्टिलेज से। सो फर्स्ट थिंग ये क्लियर। प्लस कार्टिलेज में क्या होता है? कार्टिलेज की अपनी ब्लड सप्लाई नहीं होती, इसलिए ये नरिशमेंट कहाँ से लेता है? ये जो कैविटी बीच में जो स्पेस है, वहाँ पर फ्लूइड प्रेजेंट है, उस फ्लूइड से ये नरिशमेंट लेता है। सो इस फ्लूइड के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। सो फर्स्ट आर्टिकुलर कार्टिलेज एक करेक्टरिस्टिक्स है साइनोवियल फ्लूइड जॉइंट की। देन सेकेंड है आर्टिकुलर कैप्सूल। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकुलर कैप्सूल। बोन्स के जो साइनोवियल जॉइंट है उसके सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट होता है? कैप्सूल प्रेजेंट होता है। जैसे हम कैप्सूल मेडिसिन, एज अ मेडिसिन खाते हैं, वो वाले कैप्सूल, उसके अंदर मेडिसिन होती है, ऐसे ही इस जॉइंट को भी एक कैप्सूल ने सराउंड किया हुआ है। सो ये कैप्सूल की दो लेयर होती हैं,
आउटर लेयर फाइबरस लेयर है, आउटर लेयर फाइबरस टिश्यू से बनी है, वो टफ लेयर है, एंड इनर लेयर साइनोवियल लेयर है। सो ये जो आउटर ग्रीन कलर से मैंने शो किया है, ये ग्रीन कलर, ये क्या है? फाइबरस लेयर, दिस इज फाइबरस। सो ये आउटर लेयर है कैप्सूल की, जो कि फाइबरस टिश्यू से बनी हुई है। इसने पूरे ये बोन को, दोनों बोन्स को, मींस जॉइंट को सराउंड किया हुआ है। एंड ये जो फाइबरस लेयर है आउटर, ये ग्रीन कलर की, ये बोन की जो आउटर कवरिंग है पेरिओस्टियम, उसके साथ मिल जाती है। सो फर्स्ट थिंग क्लियर कि आउटर फाइबरस लेयर आती है कैप्सूल में, एंड इनर कौन सी आती है? साइनोवियल मेम्ब्रेन। सो ये जो ब्लू कलर की मैंने शो की है, ये ब्लू कलर की दोनों साइड, ये क्या है? साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। सो फाइबरस लेयर की लाइनिंग में इनर साइड क्या प्रेजेंट है? साइनोवियल मेम्ब्रेन। एंड ये दोनों मेम्ब्रेन, दोनों लेयर क्या बनाती है? कैप्सूल बनाती है। सो सबसे पहले फाइबरस लेयर, जो कि आउटर लेयर है, इसका फंक्शन देख लेते हैं। ये व्हाइट फाइबरस टिश्यू से बनी होती है। सो ये फाइबरस लेयर क्या है, इसको क्या बोलते हैं? कैप्सुलर लिगामेंट। सो ये कैप्सूल की आउटर लेयर है, इसको कैप्सुलर लिगामेंट बोलते हैं। लिगामेंट का क्या फंक्शन होता है? बोन को बोन से कनेक्ट करना। सो ये ग्रीन फर्स्ट बोन से, ये ग्रीन कलर से मैंने शो किया है कि फाइबरस लेयर फर्स्ट बोन से स्टार्ट हुई थी एंड कहाँ पर आई है? सेकंड बोन तक। सो एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट कर रही है, इसलिए इसको क्या बोला है? कैप्सुलर लिगामेंट। सो लिगामेंट का क्या काम होता है? किसी चीज को होल्ड करके रखना। सो ये क्या कर रहा है? दोनों बोन्स को आपस में क्या कर रहा है? होल्ड कर रहा है, ताकि ये बोन्स इधर उधर ना जाए, अपनी पोजीशन पर बनी रहे। स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है ये लिगामेंट, दोनों को आपस में होल्ड कर रहा है। दूसरा फंक्शन इसका क्या है? सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। सपोर्ट जॉइंट को तो प्रोवाइड कर ही रहा है, प्लस अंदर जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसको भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। सो फाइबरस लेयर, जो आउटर लेयर है कैप्सूल की, वो आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट है साइनोवियल लेयर। साइनोवियल लेयर, ये ब्लू वाली जो फाइबरस लेयर के इनसाइड प्रेजेंट है, लाइनिंग में प्रेजेंट है। सो साइनोवियल लेयर, ये है साइनोवियल मेम्ब्रेन ब्लू कलर की, इसको साइनोवियम भी कहते हैं। सो ये साइनोवियल लेयर क्या सिक्रीट करती है? साइनोवियल फ्लूइड। सो मैंने पहले बताया था कि दोनों बोन्स के बीच में, साइनोवियल जॉइंट के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है, इस क्योंकि दोनों बोन्स आपस में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होती, इनमें स्पेस प्रेजेंट होता है। इस स्पेस को क्या कहते हैं? जॉइंट कैविटी। सो ये जॉइंट कैविटी में क्या सिक्रीट होता है? साइनोवियल फ्लूइड। एंड ये साइनोवियल फ्लूइड कौन सिक्रीट करता है? साइनोवियल मेम्ब्रेन। सो ये जॉइंट कैविटी में, ये ब्लू कलर का आपको सेंटर में दिख रहा है, ये क्या है? साइनोवियल फ्लूइड। सो साइनोवियल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? सीरस कनेक्टिव टिश्यू से। एंड ये क्या सिक्रीट करती है? साइनोवियल फ्लूइड। एंड ये साइनोवियल फ्लूइड एब्जॉर्ब भी साइनोवियल मेम्ब्रेन में भी मेम्ब्रेन में ही होता है। सो ये जो साइनोवियल फ्लूइड है, ये सबसे पहले मैंने बात की थी आर्टिकुलर कार्टिलेज की, इसकी अपनी ब्लड सप्लाई नहीं होती, इसलिए आर्टिकुलर कार्टिलेज साइनोवियल फ्लूइड से नरिशमेंट लेता है। सो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है जॉइंट कैविटी, या फिर साइनोवियल कैविटी भी इसको कहते हैं। सो जो टू आर्टिकुलेटिंग बोन्स है, जो कि साइनोवियल जॉइंट बना रही है, ये बोन्स आपस में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होती, इनके बीच में स्मॉल स्पेस होता है। इस स्पेस को क्या कहते हैं? कैविटी। सो ये जॉइंट के बीच में स्पेस है, इसलिए जॉइंट कैविटी कहते हैं। इस कैविटी में साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको साइनोवियल कैविटी भी कहते हैं। सो ये जो स्पेस है, ये क्या कहलाता है? जॉइंट कैविटी या फिर साइनोवियल कैविटी बिटवीन द टू बोन्स। और इस कैविटी में क्या होता है? साइनोवियल फ्लूइड। सो अब साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है? ये एक थिक स्टिकी फ्लूइड होता है, फिल्स द साइनोवियल कैविटी। सो साइनोवियल कैविटी में थिक और स्टिकी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जैसे एक ग्रीस की तरह ये काम करता है जॉइंट में, साइनोवियल जॉइंट्स में। एंड ये फ्री मूवमेंट को अलाउ करता है, प्लस ये इंजरी से भी प्रिवेंट करता है, एज अ कुशन भी काम करता है जॉइंट में। सो इसके फंक्शंस क्या है? फर्स्ट फंक्शन है इसका नरिशमेंट। सो साइनोवियल फ्लूइड में क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जब मैंने पहले बताया कि आर्टिकुलर कार्टिलेज की अपनी ब्लड सप्लाई नहीं होती, सो इस साइनोवियल फ्लूइड से ये नरिशमेंट लेता है। प्लस आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होता है कि ये 7 mm थिक होता है यंग में। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज थिन होता जाता है। सो फिर ये आर्टिकुलर कार्टिलेज की जो कंप्रेशन पावर है, कंप्रेशन क्या कि कोई भी शॉक को एब्जॉर्ब करने की जो इसकी कैपेसिटी है, वो भी कम हो जाती है। प्लस फ्रिक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जॉइंट में। सो वन थिंग ये
देन नेक्स्ट है लुब्रिकेशन. साइनोवियल फ्लूइड का क्या काम है? लुब्रिकेट करने का काम है. लुब्रिकेट का क्या मतलब होता है? कि मॉइस्चर प्रोवाइड करना. एक स्मूथ मूवमेंट के लिए जो लुब्रिकेशन चाहिए होती है, जैसे अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट में या फिर किसी भी व्हीकल में ग्रीस डाल दें, तो वो जो कोई भी व्हीकल है या इंस्ट्रूमेंट है वो स्मूथ वर्क करने लग जाता है ग्रीस के बाद. ऐसे ही साइनोवियल जो जॉइंट है उसके बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड है वो एज अ ग्रीस का काम कर रहा है. ये फ्लूइड क्या है? लुब्रिकेशन का काम कर रहा है, फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है. सो फ्रिक्शन ना हो इसलिए एज अ लुब्रिकेट भी यहाँ पर वर्क कर रहा है. नेक्स्ट है रिमूव माइक्रोब्स. सो साइनोवियल फ्लूइड में क्या प्रेजेंट होते हैं? फैगोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं. फैगोसाइट्स का क्या काम होता है? कोई भी माइक्रोब्स, कोई भी एंटीजन, उसको एंगल्फ कर लेना. कोई भी वेस्ट अगर सेल डेब्रिस यहाँ पर प्रेजेंट है तो उसको एंगल्फ कर लेता है. सो इसलिए साइनोवियल फ्लूइड माइक्रोब्स को भी रिमूव करता है. नेक्स्ट है शॉक एब्जॉर्बर. साइनोवियल फ्लूइड एज अ कुशन काम करता है जॉइंट के बीच में. सो ये क्या करता है? शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है. सो इसलिए इंजरी से भी ये प्रिवेंट करता है जॉइंट्स को. देन नेक्स्ट है प्रिवेंट सेपरेशन ऑफ बोन्स. अब ये फ्लूइड यहाँ पर क्या कर रहा है? जैसे अगर आप दो ग्लास की स्लाइड्स लें एंड उसके बीच में फ्लूइड डाल दें. सो टू ग्लास स्लाइड्स के बीच में अगर वाटर होगा, फ्लूइड होगा कोई भी, सो ये दोनों ग्लास स्लाइड्स क्या है? सेपरेट नहीं हो सकती, ईजिली सेपरेट नहीं हो पाएंगी. ऐसे ये दो बोन्स के बीच में फ्लूइड क्या काम करता है? दोनों बोन्स को आपस में होल्ड करने का काम कर रहा है. सो प्रिवेंट सेपरेशन ऑफ बोन्स. सो साइनोवियल फ्लूइड के ये फंक्शन है. अब कुछ अदर स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं साइनोवियल जॉइंट में, उसके बारे में पढ़ लेते हैं. फर्स्ट है बर्से. बर्से प्लूरल में कहते हैं, सिंगुलर है बर्सा. सो बर्से क्या होता है? स्मॉल सैक्स फिल्ड विथ साइनोवियल फ्लूइड. सो एक तो ये मेन कैविटी है जिसमें साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट है. यहाँ पर कुछ और स्मॉल स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बोन्स और मसल्स के बीच में, बोन्स और लिगामेंट्स के बीच में, बोन्स और टेंडन्स के बीच में, बोन्स और स्किन के बीच में. सो जहाँ पर फ्रिक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं कि बोन स्किन के साथ फ्रिक्शन ना हो, बोन का लिगामेंट के साथ फ्रिक्शन ना हो, वहाँ पर और स्मॉल सैक्स प्रेजेंट होती हैं. जैसे कि यहाँ पर ये स्मॉल सैक प्रेजेंट है, यहाँ पर. सो ये स्मॉल सैक्स में की लाइनिंग में भी ये ऐसे ही हैं जैसे साइनोवियल कैविटी है. यहाँ पर भी साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है इन बर्से में भी. सो साइनोवियल मेम्ब्रेन यहाँ पर क्या सेक्रेट करती है? साइनोवियल फ्लूइड. सो इस बर्से में भी साइनोवियल फ्लूइड फिल रहता है. ये सैक्स होते हैं छोटे छोटे. सो इनका काम क्या है? फ्रिक्शन से प्रिवेंट करना. सो जहाँ पर बोन का किसी चीज़ के साथ फ्रिक्शन हो रहा है, जैसे कि मसल, लिगामेंट, स्किन, किसी के साथ भी हो सकता है, सो फ्रिक्शन को यहाँ पर ये प्रिवेंट कर रहे हैं बर्से. फ्रिक्शन को प्रिवेंट कर रहे हैं, प्लस ये भी एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम करते हैं, इंजरी से प्रिवेंट करते हैं. सो फर्स्ट हो गया बर्से. नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं आर्टिकुलर डिस्क और मेनिस्कस. सो आर्टिकुलर डिस्क नाम से ही क्लियर है, आर्टिकुलेशन मतलब जो बोन्स आपस में आर्टिकुलेट कर रही है उन दोनों बोन्स के बीच में. सो ये दोनों बोन्स के बीच में एक अदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं आर्टिकुलर डिस्क. सो ये इस तरह से डिस्क प्रेजेंट होती है, और मेनिस्कस आर्टिकुलर डिस्क से थोड़ी सी बड़ी होती है और सी शेप की होती है. सो ये इस तरह से आर्टिकुलर डिस्क और मेनिस्कस दोनों आर्टिकुलेटिंग बोन्स के बीच में प्रेजेंट होती है. सो ये जो आर्टिकुलर डिस्क और मेनिस्कस क्या है, ये फैट पैड्स होते हैं, फैट से बने होते हैं या फिर फाइब्रोकार्टिलेज से बने होते हैं. सो इन स्ट्रक्चर्स का क्या काम है? कुशन का काम है. आपस में ये क्या कर रहे हैं? एज अ कुशन वर्क कर रहे हैं बोन्स के बीच में. जो शॉक है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, इंजरी से प्रिवेंट करते हैं, प्लस दोनों बोन्स को आपस में अच्छे से होल्ड कर रखते हैं. इट मीन्स ये स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं जॉइंट को. देन अदर स्ट्रक्चर्स लिगामेंट्स एंड टेंडन्स. एक तो हमने कैप्सुलर लिगामेंट पढ़ा, वो तो मेन है जो कि फाइब्रस लेयर से बना है. कुछ अदर लिगामेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि बोन को बोन से जोड़ते हैं, बोन को बोन से होल्ड करते हैं, इट मीन्स स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. टेंडन्स क्या करते हैं? टेंडन्स मसल को बोन से जोड़ते हैं. सो जो मसल को बोन से जोड़ रहे हैं वो भी टेंडन्स हैं, वो भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जॉइंट को. If you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Also do support women empowerment. Thank you for watching.